देखिए बहुत बढ़िया काम कर रहा है ये लड़का। भीख मांगने से बढ़िया है कि अपना कुछ भैया लोग हम स्कूल पढ़ के काम करते स्कूल हैं। पढ़ने के बाद अपना मम्मी पापा गांव में रहते हैं, यहाँ बुजुर्ग दादी दादा रहते हैं, भैया हम लोग काम करते हैं, बताओ इसमें भीग जाते हैं भैया 100-200। बहुत बढ़िया, अपना काम करते हैं, किसी का काम नहीं करते हैं। सही, बहुत अपना बढ़िया। काम रहेगा तो खाएंगे पिएंगे, दूसरे का काम रहेगा तो टेंशन लगा रहेगा। सही बात, इससे अच्छा मेहनत करो, किसी के आगे हाथ ना फैलाओ, गलती है तो गर्दन झुका लो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन सी क्लास में हो अभी तुम? हम 7th क्लास में। 7th क्लास में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं। अच्छा, तुम्हारा छोटा भाई? हमारा छोटा भाई स्कूल नहीं जाता अभी। अच्छा, अभी वो स्कूल नहीं जाता, वो आंगनबाड़ी में जाता है। अच्छा, बाहर वाला फूट गया ये तो। दिन भर में कितने बिक जाते हैं? दिन भर नहीं, रात को ही बिकते हैं। अच्छा, रात को ही, रात को जब चमकते हैं ना। हाँ। अच्छा, कितने बजे तक काम करते हो? 11 बजे तक। ओ भाई साहब, खाना पीना फिर खा लेते हैं, बाहर ही खाते हो? चौमिन वोमिन खा लेते। अच्छा, है? क्या ये दिल्ली से माल आता है? अच्छा, लाता कौन है दिल्ली से माल? हम लोग डिलीवरी करते हैं, वो डिलीवरी करने आता है। अच्छा, जैसे आज बोल दिया कल। अच्छा, कल आ जाएगा माल। हाँ। अच्छा, घर में कौन कौन है और? अगर हम वहाँ लाने जाए तो सस्ता पड़ जाएगा। अच्छा, वहाँ से आइए, सही बात है, पर लेने जाओगे तो फिर बात तो वही हो जाएगी ना। वो ये वहाँ 70 का मिलता है, 80 रुपये का बेस, तो 10-5 रुपये वो भी तो कमाना। सही सही बात है। एक पे लाइट लगा के बता जरा यार, मैं तेरे वीडियो बना रहा हूँ। आप देख सकते हो, इसके अंदर डालो इसको बनाओ। भाई जब मेहनत करोगे तभी 2 पैसा आएगा। सही बात है यार। एक मुझे बता, जो लोग गाड़ियों को रोक रोक के भीख मांगते हैं वो सही है क्या? तुम ही बताओ पहले यार। वो बिल्कुल गलत है, वो सोचते हैं फ्री का था, क्यों फ्री का ही आए। सही ये बात है, बोलते हैं कि हमारे दादा परदादा ने भी यही काम किया है, हम भी यही काम करेंगे, तो गलत है ना ये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखिए लड़का कितना मेहनती लग रहा है। लाइट वाला है, इसको पहले ऐसे करो, इसको खोलो। अच्छा, ये इस पे लाइट है पूरे पे? ये तो पेट है कि बड़ा। अच्छा, इसको ऐसे करो, निकालो और कहाँ का निकाल दो, फिर इसके बाद यहाँ पर ये जो है हमारा 80 रुपये का, वो सॉरी 90 रुपये का खरीद है। अच्छा, हम लोग 250 रुपये का बेचते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे करोगे, ऐसे तार करोगे ना तो वो लग जाए, वरना ये बच्चे हाथ में लिपटा देंगे अगर टाइट से लगा। अच्छा, टाइट नहीं करोगे तो। हाँ, ये जो रोड पर भीख मांगते हैं उनको बिल्कुल भी भीख ना। बिल्कुल सही बात है। हमारी मम्मी जी है, वो क्या बोलते हैं, वो घर में झाड़ू पोछा काम करती है। बताओ, वो भीख नहीं मांगती। और पापा? पापा तो वो क्या बोलते हैं, मजदूरी झाड़ी करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो बिल्कुल, मतलब कुल मिला के बात है कि भीख कोई नहीं मांगता, मतलब कोई नहीं, मतलब मेहनत का खाना है। बहुत बढ़िया, मेहनत करो। बहुत बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया।
आपको मैं कहना चाहूंगा जो रोड पे भीख मांग रहे हैं भैया, उनको आप भीख गरा से दिलाओ। अच्छा, बहुत। अगर वो भीख दोगे तो भैया उनका आदत बढ़ेगा। अगर आपको कुछ खिलाना है तो उनको खिला दो, पैसे ना दो, क्योंकि भैया कोई कोई पैसे का नशा भी करते हैं। बहुत बहुत, इसीलिए भैया मैं कहूँगा आप उनको खाना खिला दो, पैसे भी दो। बहुत भाई, सूरज भाई देखो तो सही कितना नॉलेज है भाई के। अगर आप उनको भीख देंगे तो उनका आदत बढ़ेगा। सही बात। इससे अच्छा अपना मेहनत करो और खुशी रहो, खाओ और हर वक्त रोने नहीं चाहिए। ऐसे टेप भी लगा दिया है ताकि ये निकले ना। अरे वाह गजब। अच्छा कौन सा है, 200 का? ये 200 का, ये 250 का। अच्छा ये 250 का। भैया मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, कोई से भी मेरे को बलून लेता है तो मैं उसको जो रेट आता है मैं वही बताता हूँ, उसको भरोसा रहता है तो वो ले लेता है, वो बोलता है कि छोटू सही नहीं बता रहे, इसलिए मैं ले रहा हूँ। देखो भाइयों, इन जो भी आपको ऐसे बलून बेचने वाले दिखाई देते हैं, कृपया करके इनसे बलून ले लीजिएगा, क्योंकि देखो ये ना अपनी मेहनत का खाते हैं, अपनी मेहनत करते हैं। देखिए इनका ये छोटा भाई भी है, ये अपनी मेहनत करके खाते हैं, इसलिए इनको ना हमेशा इनसे आप जो भी खरीदना चाहोगे खरीद लेना। और जो रोड पे भीख मांगते हैं कृपया उनको कभी भीख ना दें, क्योंकि देखिए आप इस लड़के ने साफ कहा है कि भीख मांगने वाले लोग बच्चे क्या करते हैं कि नशा करने लग जाते हैं और गोंद सूंघते हैं। बताओ, और ये लड़के देखो अपनी मेहनत करके स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने के बाद ये अपना इस काम को करते हैं, यानी शाम के टाइम पर मेहनत करते हैं, इनकी मम्मी पापा भी मेहनत करते हैं। मेहनत का करके खाना बहुत अच्छी बात है आज की डेट पर, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं इस चीज़ को। और ये इतने छोटे बच्चे ने, 7th क्लास में पढ़ रहा है इस बच्चे ने, हमको ये बताया कि मेहनत करके ही खाना ज़रूरी है, भीख मांग के खाने से कुछ नहीं होगा। और एक ना चोरी एक ना चमारी, ये सब जिंदगी बना करो। बिल्कुल। भीख तभी, चलो भीख तो मांग लो, फिर मजबूरी पे मांग लो। अभी आप करोगे कि नशा करोगे, ये सब नॉलेज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपको जो काम करना है उधार पे लेके आइए, उससे मांगिए, उसको तपेज को दोगे ना तो वो भी खुश होगा, वो भी आपका इज्जत करेगा। अब आप भीख मांगोगे, 100 दिन का चोर कोई कितने पकड़ा था। आपसे मैं रिक्वेस्ट है कि आप भीख मांगने वाले को भीख ना दें। सही बात है। थैंक यू।